मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त का पद संभालने के बाद श्री तन्मयलाल वापस भारत लौट रही हैं। कल रात लेसुफ्रन होटल में उनके सम्मान में एक फेयरवेल समारोह का आयोजन किया गया। कई महानुभाव उपस्थित थे, जिनमें गणराज्य के राष्ट्रपति प्रदीप रूपन, प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और उनकी पत्नी कविता जगनाथ, राज्यसभा के स्पीकर सूरजदेव फुकीर तथा कई मंत्री एवं सांसद शामिल रहे। जनवरी 2019 में भारतीय उच्चायुक्त श्री तन्मयलाल ने अपना पद संभाला था। की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण। मॉरिशस में अपने दो साल के कार्यकाल के बाद भारत के उच्चायुक्त श्री तन्मयलाल मॉरिशस से रवाना हो रहे हैं। उनके सम्मान में एक विदाई समारोह लगा, जिसमें गणराज्य के राष्ट्रपति पृथ्वीराज रूपन, प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ, उनकी पत्नी श्रीमती कोबिता जगनाथ, राज्यसभा के स्पीकर सूरजदेव फोकिया, कई मंत्रीगण एवं सांसद उपस्थित रहे। अपने भाषण में श्री तन्मयलाल ने मॉरिशस के अपने अनुभव को अद्वितीय बताया। उन्होंने देश को कोविड मुक्त बनाने के प्रयासों की सराहना की। A great moment for me and my wife came soon after our arrival, when we had the honor to accompany Honorable Prime Minister and Madam Kavita Jagannath to the Kumbh Mela in India, which is the largest congregation on earth following a millennia old tradition. It has been an absolutely unique experience, first of all, to be in Mauritius this year and to live the extraordinary success of the government and the people of this country in keeping Mauritius COVID safe. I'll miss the spectacular views of Indian Ocean on way to work as soon as we cross Bagatelle. That reminds me, I think I'll also miss the love for India in the media here. मॉरिशस के बाद श्री तन्मयलाल स्वीडन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।